सब्सक्राइब कीजिए नित्यास फैमिली को और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बंगाली स्टाइल खट्टी मीठी टमाटर की चटनी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मूंगफली, किशमिश, सूखे हुए खजूर और सूखी हुई नारियल ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं 5 फोड़न तेज़पत्ता और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च ले ली हूँ। और मैं यहाँ पे 1/2 कटोरी चीनी ली हूँ, 1/2 कटोरी गुड़ ली हूँ और 500 ग्राम टमाटर ले ली हूँ। तो सबसे पहले अब हम पैन को गरम कर लेंगे और पैन गरम हो जाने के बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। और तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें तेज़पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 5 फोड़न में जीरा, सरसों के दाने, मेथी दाना, सौंफ और कलौजी रहेगा। और अब हम इसमें हींग डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। और जब मसाले से खुशबू आने लगे तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर में 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस पे सारे ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर ले। और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने के बाद हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कलर चेंज होने तक पका लेना है। और अब हम इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर की चटनी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बंगाली स्टाइल खट्टी मीठी टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है और इसे बनने में सिर्फ 20 से 25 मिनट लगा है। और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।